आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। सभी देशवासी बापू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए हिंदुत्व का एजेंडा चलाने वालों पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर हिंदुत्ववादी पर क्या कुछ बयान दिया है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति सहित तमाम दिग्गज गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो वहीं राहुल गांधी ने भी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें ट्वीट कर नमन किया और एक बार फिर से अपने ट्वीट से सियासी माहौल को गर्मा दिया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि एक हिंदुत्ववादी ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे, पर जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी इससे पहले भी हिंदुत्ववाद को लेकर कई बार हमलावर हो चुके हैं। इससे पहले 29 दिसंबर को राहुल गांधी ने कांग्रेस के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि जो लोग हिंदुत्व की विचारधारा में विश्वास करते हैं वो किसी के सामने झुकते हैं। वे अंग्रेजों के सामने झुकते थे और वे पैसे के सामने झुकते हैं, क्योंकि उनके दिल में कोई सच्चाई नहीं है। बता दें कि यहाँ हिंदुत्ववादी से मतलब गोडसे भाजपा और आरएसएस है। जी हाँ, राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे को हिंदुत्ववादी बताया है और आरएसएस और भाजपा को उससे जोड़कर हिंदुत्ववादी बताया है। राहुल गांधी के नजरिए से हिंदू और हिंदुत्ववाद में फर्क होता है। वो खुद को हिंदू और भाजपा को हिंदुत्ववादी बताते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत का भी राहुल गांधी के ट्वीट पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर हिंदुत्ववादी होता तो गांधी को नहीं जिन्ना को गोली मारता और यही देशभक्ति का काम होता है। हिंदुत्ववादी होता कोई असली तो जिन्ना को गोली मारता, गांधी को क्यों गोली मारता भाई? पाकिस्तान की जो मांग थी वो जिना की मांग थी। अगर हिम्मत थी आप मर्द थे, अपने मर्दानगी थी किसी में ऐसे लोगों में, तो मैं मानता हूँ पाकिस्तान की मांग करने के बाद जिसने यह इंसाफ फैलाई, पार्टीशन किया, उनको कोई जाकर गोली मारता वो देशभक्ति का काम होता। गांधी जी को गोली मारना निशस्त्र एक फकीर को, मैं मानता हूँ ये ठीक नहीं था। उसका तो पूरे विश्व को दुख हुआ है, आज भी है। लेकिन गांधी जी का नेतृत्व असामान्य था, धैर्यशील था। गांधी जी को गोली मारने की कोई बड़ी बात नहीं है। गांधी जी मरे नहीं है गोली मारने के बाद भी। आज भी हम गांधी जी के ऊपर इतने साल के बाद भी पूरे देश में पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। अगर आपको गोली मारनी तो जिसने पाकिस्तान बनाने का जो एक ये निकाला आइडिया निकाली उस वक्त, उनको मारो। बता दें कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ आरएसएस के कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई 5 फरवरी से रोजाना होगी। ये सुनवाई राहुल द्वारा 2018 में दिए गए एक विवादित बयान के कारण की जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी ने 2018 में अपने भाषण के दौरान आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ का हाथ था। आरएसएस के एक स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंते ने राहुल गांधी पर मुकदमा किया था और कहा था कि उनके बयान से आरएसएस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। ठाणे की अदालत ने 2018 के मामले में राहुल के खिलाफ आरोप तय किए थे, लेकिन उन्होंने आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। खैर, देखने वाली बात ये होगी कि राहुल गांधी के इस ट्वीट और संजय राउत के बयान के बाद भाजपा और आरएसएस की इस पर क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है। प्राइम टीवी के लिए मोहिनी वाजपेयी की रिपोर्ट। और इसी के साथ प्राइम टीवी की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस
सरोकार।